निदा फाजली 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार है। निदा फाजली के लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में के साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। आठ प्रवेश। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई या उन्हें अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर भर हुआ रहा होता तब भी गनी मत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी ना कभी किसी ना किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलेमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 10-25 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए।
एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी, वहां एक काला चींटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयास के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है, वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जल जले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। बेचारा लगातार सिमटता जा रहा था।
उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टन रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें अपने मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरी पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके हैं, उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे। छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह रख कर दिया है।
उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलेमन है जो उनकी जुबान की समझ कर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम।